हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग लिंडे इंडिया बोलकर जो कंपनी है, इस कंपनी का पहले फंडामेंटल डेटा देखेंगे, उसके बाद इसके चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो देखिए, इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो है आपका ₹25,340.93 करोड़। एंटरप्राइज वैल्यू है इस कंपनी का ₹25,015.07 करोड़ एंड पीई रेशियो है 50.9। इस कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कुछ भी डेप नहीं है, ये बिल्कुल ही एक डेप फ्री कंपनी है। इसका डेप इक्विटी रेशियो भी जीरो है, तो फंडामेंटली ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड कंपनी के पास अभी आपका कैश है ₹325.86 करोड़। इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.67। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹58.37, रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.17% एंड आपका आरओसी है 10.91%। इस कंपनी में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में था। कितना माइनस में था? -78.61% एंड सेल्स ग्रोथ भी माइनस में था। माइनस में कितना था? 16.50%। ओके, तो देखिए, ये जो कंपनी है लिंडे इंडिया, ठीक है, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग कितना है? देखिए, प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 75%, पब्लिक का होल्डिंग है 14.17%, डीआईआई का है 8.27% एंड एफआईआई का है 2.56%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ऊपर होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे तो 40% से बहुत ही ज्यादा है, 75% ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसके ऊपर देखिए, ये जो आपका 75% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, मतलब प्लेजिंग का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है, तो फंडामेंटली ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पर जाके इस शेयर का चार्ट भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया है। तो देखिए, ये आपका शेयर 2021 जून का महीने में इस जगह पे कितना चल रहा था, आपका लगभग ₹1540 चल रहा था, ठीक है। और यहां से अगर देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को एक अपट्रेंड दिखेगा, और अभी कितना चल रहा है आपका 2971 के करीब चल रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये शेयर 8 महीनों के अंदर लगभग आपका डबल रिटर्न दे दिया है, लगभग डबल रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे इस शेयर का एक बार इंडिकेटर लगा हुआ जो चार्ट है वहां पर जाके देख लेंगे कि इंडिकेटर डेली चार्ट में हम लोगों को क्या क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो अभी देखिए, मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ डेली चार्ट भी ओपन कर लिया, क्योंकि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को एक क्लियर हो चुका है कि ये शेयर आपका अपट्रेंड में है डेली चार्ट के हिसाब से। तो अभी देखिए, जस्ट आपका दो ट्रेडिंग डे पहले, मतलब आपका ए आपका था 17 फरवरी का डे, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। आज के डेट पे देखिए, यहाँ पे एक जबरदस्त कैंडल फॉर्म हुआ है एंड इस कैंडल ने क्या किया, देखिए मैंने ऊपर की तरफ एक यूरो का लाइन ड्रॉ किया है, जो कि आपका इस शेयर का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लाइन है। इस लाइन को तोड़ भी दिया एंड तोड़ के ऊपर सस्टेन भी कर चुका है, ये भी एक अच्छा बात है। एंड अभी देखिए, डेली चार्ट के हिसाब से ये शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है वो आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है उसके ऊपर ही टच करता हुआ दिख रहा है, ये भी आपका टेक्निकली एक अच्छा पॉइंट है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो देखिए, आरएसआई भी अबव 60 है, और अगर एमएसीडी की बात करेंगे तो एमएसीडी भी 0 पॉइंट से ऊपर जाके आपका पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म किया है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो डेली चार्ट में क्लियरली इंडिकेटर हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन ही दे रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए, मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो देखिए, एकदम पीछे से शुरू करेंगे, आपका 2020 जुलाई के महीने में इस शेयर का प्राइस कितना चल रहा था, लगभग आपका 600-700 के करीब चल रहा था, ठीक है, इस जगह पे। और अभी कितना चल रहा है आपका 2970, मतलब आपका 2020 जुलाई के महीने से अभी तक, मतलब लगभग 1.5 साल के अंदर इस शेयर ने आपका कितना गुना, 4 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। और यहां से अगर देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को एक अपट्रेंड दिखेगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये आपका था
जनवरी का पहला वीक था, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में आपका सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। उसके बाद देखिए इस वीक में भी हम लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिखा है एंड इस कैंडल ने ऑलरेडी इसका जो आपका लास्ट हायर हाई था उस लेवल को भी तोड़ दिया, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये शेयर अभी आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है उसके ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। RSI भी अबव 60 है और MACD जस्ट आपका 0 पॉइंट से ऊपर गया है, मतलब MACD हम लोगों को क्लियरली फेस एंट्री लेने के लिए इंडिकेशन दे रहा है, मतलब ओवरऑल वीकली चार्ट में क्लियरली हम लोगों को बुलिश साइन दिख रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए मंथली चार्ट में मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ से देखेंगे तो ये आपका था 2020 अगस्त का महीना, यहाँ से अगर देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को एक अपट्रेंड दिखेगा और यहाँ पे देखिए ये आपका 2021 अगस्त का महीना है, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में भी सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था। उसके बाद से देखिए इसे लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड लास्ट 2 महीनों से यहाँ पे भी हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है एंड मंथली चार्ट के हिसाब से भी अभी इसे 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। RSI भी अबव 60 है और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है एंड MACD का लास्ट वाला कैंडल भी यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल है, मतलब ओवरऑल चार्ट की बात करेंगे तो टेक्निकली ये चार्ट बहुत ही मुझे बुलिश लग रहा है। ओके तो देखिए अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस है लगभग 2971, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए और अगर आप लोगों का नजर या मिनिमम 3 से 4 महीने का भी है तो मुझे जो लगता है कि 3 से 4 महीने के अंदर ये शेयर आपका 3400 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर जाएगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।